फ्रेंड्स, ये जो बच्चा है जो आपको आप लोग सब देख रहे हैं, ये बच्चा जो है ये सीजर से हुआ था। इसका डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता, नर्सिंग होम में सीजर के द्वारा हुआ था और उस समय बच्चे का वजन मात्र 800 ग्राम था। ये बच्चा प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवर हुआ था और जब डिलीवर हुआ था तो इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इसकी हालत बहुत खराब थी, वजन बहुत कम था, रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम थी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा था और दूध नहीं पी रहा पा रहा था, सुस्त था जैसा कि आमतौर पर होता है। उसके बाद इस बच्चे को इसके जो पेरेंट्स हैं माँ बाप वो गोंदिया लेके गए थे। गोंदिया में वहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती रहा, करीब 5-7 दिन वहाँ भर्ती रहा और वहाँ पे भी इसकी स्थिति में काफ़ी मतलब सुधार नहीं आ पाया था। जो वांछित सुधार था, जितना एक्सपेक्टेड सुधार था, वो नहीं आ पाया था। उसके बाद चूँकि खर्चीला भी बहुत था, प्राइवेट नर्सिंग होम बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, महंगे बहुत होते हैं, तो पेरेंट्स फिर इसको वहाँ से बालाघाट जिला चिकित्सालय में ला लिए थे और फिर उन्होंने यहाँ ला के एडमिट कर दिया था। यहाँ जब बच्चे को लाया गया था तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बच्चा सीरियस था और काफ़ी उसकी हालत ख़राब थी, उसे ऑक्सीजन पर रखा गया था। उसके बचने की जो संभावना थी बहुत कम थी, नगण्य थी, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि 50-50% चांसेस हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद बच्चे को अपन ने सबसे पहले ब्लड की बहुत कमी थी तो उसको ब्लड लगाया गया। ब्लड लगाने के बाद उसके जितने भी निगेटिव साइंस थे, शॉक में था, सेप्टिसीमिया में था, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बच्चा सुस्त था, शुगर कम थी, इन सब चीज़ों की अपन ने प्रॉपरली इसकी केयर की, सारी चीज़ों को एक एक करके करेक्ट किया, शुगर की कमी को दूर किया, सेप्टिसीमिया पार्ट को दूर किया, टेम्परेचर उसका बढ़ने लगा और उसके बाद बच्चे की हालत में सुधार होने लगा। ब्लड देने के बाद उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया था। उसके पश्चात फिर शुरू के कुछ दिन बच्चे को अपन ने मुझसे कुछ नहीं दिए थे, केवल उसको IV फ्लूइड्स या वाटर वगैरह ही जाती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर इसको फीडिंग चालू कराई गई थी। तो फीडिंग में चालू कराने के बाद सबसे पहले अपन बच्चे को राइस ट्यूब फीडिंग देते, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये जो फीडिंग है इसको अपन राइस ट्यूब फीडिंग बोलते हैं। इसमें बच्चे को अपन नली द्वारा दूध पिलाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सिरिंज कहलाती है और ये राइस ट्यूब कहलाती है जो बच्चे के पेट में चली जाती है। तो जो भी दूध है अपन अभी इसके माध्यम से देते हैं और बच्चा धीरे 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 करके दूध लेने लगा और इसी बीच अपन बच्चे को मुँह से भी दूध चुसाने की कोशिश करते हैं। तो दिन में 3-4 बार अपन बच्चे को माँ का दूध चुसाने की कोशिश करते हैं, जो बच्चा धीरे धीरे चूसने लगा है और बाकी समय इसको अपन नलकी के द्वारा दूध देते जा रहे हैं। बच्चे की उम्र आज 23 दिन की हो गई। बच्चा देख रहे हैं आप लोगों के सामने, इसका वजन अब स्टेबल हो गया। पहले क्या होता है, शुरू में जब बच्चा पैदा होता है उस समय जैसे इसका वजन 800 ग्राम था, फिर वजन 15 दिनों तक कम होता है, इसका वजन 650 ग्राम के करीब आ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे का वजन फिर से 800 ग्राम आ गया है और अब हम लोगों को उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि बच्चे का वजन अब धीरे धीरे यहाँ से बढ़ने लगेगा और बच्चे की स्थिति में अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार है। उसके पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि बच्चा ट्रीटमेंट अगर ऐसी प्रॉपरली चल रहा है, उसकी केयर भी अच्छी होती रही, तो इसके साथ उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।